Maybe some network, some key problem. So here I am again, Dr. Sonal Parihar, आपकी नई ऑब्स एंड गायनी ट्यूटर। मैं एक यूट्यूबर हूँ जो कि पिछले 3.5 साल से यूट्यूब पे पेशेंट्स को और स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। तो वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम मी ऑल्सो ऑन अनअकैडमी। ओके, सो आई एम डॉक्टर सोनल, आई एम वर्किंग इन माई ओन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन जोधपुर, सोना मेडिहब, एंड आई एम ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। मेरी डिग्रीज MBBS और MD है BHU वाराणसी से, और मैंने UK से MRCOG किया है। ठीक है, मैंने UK से 2007 में MRCOG किया था, उसके बाद से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं एक एंडोस्कोपिक सर्जन हूँ, ट्रेंड कॉल्पोस्कोपिस्ट हूँ, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ, गायनेकोलॉजी ट्यूटर इन आयुर्वेदिक कॉलेज भी हूँ। आयुर्वेदिक कॉलेज में मैं पढ़ा चुकी हूँ, बहुत सारे आयुर्वेदिक बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे कि मैंने बताया, मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं पिछले 3.5 साल से। इट्स अ बिग चैनल, आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट। टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा मोर देन 20 ईयर्स है, इसलिए मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर हूँ। ओके, आज का टॉपिक क्या है? आज आप लोगों को मैं स्पेशल क्लास में इवनिंग में अनअकैडमी पे 2 एक-एक घंटे की स्पेशल क्लासेस लेने वाली हूँ, 5:30 से 6:30 और 7:30 से 8:30। मैं आपको पढ़ाऊंगी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि दिखने में बड़ा सिंपल लगता है, बट एक्चुअली इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी मार्किंग्स होती हैं। बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, वल्वा क्या है और वेस्टिब्यूल क्या है, वेजाइना क्या है, मेजोरा माइनोरा, ये सब हम अब डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं मार्किंग सारी लगी हुई है, बट जब MCQs आते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी स्किन, कौन सी हिस्टोलॉजी है, हार्ट्स लाइन क्या है, कहाँ से कैंसर के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, इंक्लूडिंग द ब्लड सप्लाई, द लिम्फेटिक ड्रेनेज, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज कैंसरस चेंजेस में जब कैंसर्स होते हैं फीमेल इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, तो पता चलता है वो कैसे उनका स्प्रेड होगा। सो दैट इज़ द लिम्फेटिक ड्रेनेज, द लिम्फेटिक सप्लाई। ओके, लेट मी जस्ट टॉक टू दिस, take this call, sorry, I am live right now, so tell me. All right, yeah. So my voice was slightly echoing, so I have switched off the, probably it was the AC or the fan. So let's see if there is more disturbance, I will get a call from the back end. Sorry for that, children. So yeah, that is what we are going to learn today. फोसा नाविकुलरिस क्या होता है, हाइमेन कितने टाइप्स का होता है, वेस्टिब्यूल एक्चुअली क्या होता है, क्लाइटोरिस जो इतना छोटा सा 1.5 सेंटीमीटर का हमको दिखता है, उसकी एक्चुअल एनाटॉमी क्या होती है। ठीक है, एंड बार्थोलिन ग्लैंड विच इज होमोलोगस टू कूपर्स ग्लैंड, COWPER, कूपर्स ग्लैंड इन मेल्स, इसको भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नीट PG की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। आप ये देख सकते हैं कि 13 मार्च से 19 मार्च तक जो पूरा वीक था, उस पर खूब सारे टेस्ट थे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज थी, ग्रैंड टेस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजी बाई डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम था। इस तरह से हर हफ्ते आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, जिससे 21 मई तक, जब तक आपका एग्जाम आएगा, यू विल बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल कि मुझे आप सब आता है। क्योंकि ऑफकोर्स 5-10% ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे, बट एटलीस्ट 90% भी आप अटैम्प्ट कर पाएँ और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, तो आप डेफिनेटली इसको एक बार में क्रैक कर पाएंगे। अब आते हैं अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। गाइज, अगर आपको मुझे वॉच करना है, मुझे सुनना है, मुझे देखना है, स्पेशल क्लास जो कि फ्री होती है इवनिंग में, उसमें भी आपको मेरा कोड डालना पड़ेगा, डॉक्टर सोनल, DRSONAL, वो मैं अभी बताऊँगी, नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला है। डॉक्टर सोनल इन कैपिटल्स विदाउट एनी कैप। ठीक है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप किसी भी ट्यूटर का स्पेशल क्लास देख सकते हैं, अगर आप पहली बार अनअकैडमी पे आ रहे हैं तो। अगर आप पहली बार नहीं आ रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं, तो फिर तो आप स्पेशल क्लासेस जो है, जो फ्री होती हैं, वो वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको इनका सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा कोड यूज़ करने से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। प्लस एंड आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन है, प्लस में आपको सारी जितने लेक्चर्स हैं प्लस क्लासेस के, स्पेशल क्लासेस के, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स के नोट्स, जो ट्यूटर्स पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स, जो हम प्रेजेंटेशंस PPTs आपको पढ़ा रहे हैं, वो सब आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक, ये सब आपको मिलेगा। आइकॉनिक में ऐसा क्या है? आइकॉनिक में आपको, अगर आपके पास टाइम है तो आप अभी साथ में प्री पैडलर का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अलॉन्ग विद द अनअकैडमी। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपको अलग से प्री पैडलर को पे नहीं करना है। आइकॉनिक में आपको अनअकैडमी और प्री पैडलर दोनों का मटेरियल मिलेगा, आपको थ्योरी भी मिलेगी, आपको सारे ट्यूटर्स के लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। सो दीज आर द 2 काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। अभी 2 महीने के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ प्लस अवेलेबल है, आइकॉनिक अवेलेबल नहीं है। सो कंग्रेचुलेशन टॉपर्स 2000 2021 के दिसंबर बैच के FMGE के जो टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर है। इन लोगों ने बहुत मेहनत करी डेफिनेटली, और अनअकैडमी की टीम जो इतनी मेहनत कर रही है, हम ट्यूटर्स जो इतनी मेहनत करके आपके लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, आप उसको अच्छे से यूज़ करो। यूज़ योर ट्यूटर्स, क्योंकि आज हम बैठे आपको पढ़ाने के लिए, हमको यूज़ करिए, खूब क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। अब आते हैं ये मैराथन बैच। मैराथन बैचेस बन चुके हैं नीट पीजी 2022 जो कि 21 मई को होने वाला है, उनके लिए 23 मार्च से मई तक सेकेंड 2 मंथ्स का, यानी कि 21 मई तक 2 मंथ्स का पूरा बैच बना है, जिसमें सारे ट्यूटर्स जितनी आप लिस्ट देख रहे हैं, सब ट्यूटर्स के लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, PDF नोट्स होंगे, ग्रैंड टेस्ट्स होंगे, बीच में क्विजेज होंगे, मिक्स बैग MCQs होंगे, यू विल गेट एवरीथिंग। सो 2 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जो FMGE बैच में जो FMGE के एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्जाम को देने वाले हैं, उनके लिए भी सेम बैच है 23 मार्च से 23 मई तक 2022 फॉर 2 मंथ्स। और आपके पास भी सारे ट्यूटर्स जो FMGE में पढ़ा रहे हैं उस कोर्स को कवर करने के लिए आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इसमें हाई यील्ड रिवीजन एंड MCQ बैच है। बेसिकली 2 महीने में आपको थ्योरी की कोई डिटेल नहीं पढ़ाएगा, आपको सिर्फ रिवीजन कराया जाएगा अकॉर्डिंग टू द MCQs। सो दिस इज द लेटेस्ट स्लाइड, और यू कैन से द लेटेस्ट रेट लिस्ट ऑफ द सब्सक्रिप्शंस, द प्लस एंड द आइकॉनिक। आप ये देख सकते हैं, प्लस में आपको दिख रहा है कि 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है 7,650। इसमें अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, ये वाला कोड है डॉक्टर सोनल विदाउट एनी गैप, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद एग्जाम के बाद अगर आप नहीं क्रैक कर पाते, या फिर ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, या फिर अभी आप नीट PG के एस्पिरेंट नहीं है, आपका अगले साल एग्जाम है, 2 साल बाद एग्जाम है, तो आप ये बड़े बड़े पैकेजेस ले सकते हैं जो कि 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 36 मंथ्स और इवन 48 मंथ्स के भी पैकेजेस अवेलेबल हैं। ये हो गया प्लस का, ये है आइकॉनिक का। इस तरह से आप सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं, और कुछ लाइट सब्सक्रिप्शंस भी हैं। ये आपको सारी डिटेल्स अनअकैडमी के ऐप से मिल जाएंगी, ठीक है। सो आते हैं आज के लेक्चर पे। आज मैं आपको सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि मैं आज शाम को आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। 5:30 से 6:30 और 7:30 से 8:30, 1 घंटे लैपटॉप से चिपक के बैठना। लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल, अनअकैडमी को डाउनलोड करो, अनअकैडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप मेरा कोड डालो DRSONAL डॉक्टर सोनल, तो आप मेरी स्पेशल क्लास देख पाएंगे, ठीक है। इस कोड के थ्रू अगर आप घुसेंगे तो आप किसी भी ट्यूटर को सुन पाएंगे। बहुत सारे ट्यूटर्स अवेलेबल हैं, हर सब्जेक्ट में 2-3 ट्यूटर्स अवेलेबल हैं। तो इट डिपेंड्स आपको किसका सुनना है, किसकी आपको आवाज़ अच्छी लगती है, किसके पढ़ाने का तरीका आपको पसंद है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये फोटो सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए लगाई है। ये क्या है लिखा हुआ है, इट लुक्स लाइक अ कॉलीफ्लावर, ओके। सो दैट इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ रेसिमोस ग्लैंड, जो कि लंग्स के एल्वुलाई में भी होता है, और ये टिपिकल स्ट्रक्चर होता है बार्थोलिन ग्लैंड का। बार्थोलिन ग्लैंड आपको पता है, छोटा सा मटर के दाने जितना पी साइज ग्लैंड होता है, जस्ट अबाउट 10 मिलीमीटर, और ये होता है बोथ द साइड्स लेबिया मेजोरा के जस्ट अंदर ये होता है। और एग्जैक्टली जिसकी एनाटमी है वो हम शाम को पढ़ेंगे। और इसकी जो डक्ट्स हैं वो फूसा नेविकुलरिस में ओपन होती हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाती हैं तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, ब्लॉक हो जाएंगी तो बार्थोलिन सिस्ट, बार्थोलिन ग्लैंड में एब्सेस, ये सब बन सकता है, ठीक है। और इसकी लाइनिंग कॉलमनार होती है। अब आते हैं हाइमन पे। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर बिकॉज दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइमन दैट यू सी इन यंग गर्ल्स, इन गर्ल्स हु हैव नेवर हैड सेक्स, या फिर वो लेडीज़ जिनमें कभी बच्चा नहीं हुआ। तो इतने तरह तरह के हाइमन आपको दिखते हैं, और इनके सब के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। दीज आर ऑल डिफरेंट, कोई एनुलर है, कोई एक्सेंट्रिक है, कोई व्हाट इज क्रिब्रीफॉर्म। क्रिब्रीफॉर्म वो होता है जिसमें छोटे खूब सारे स्पॉट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें नहीं बना हुआ है वो फोटो, बट अगर मान लीजिए इस तरह से इंड्रॉइटस है और हाइमन के ऊपर छोटे ऐसे डॉट्स बने हुए। सो दीज आर जस्ट द ओपनिंग्स, फॉर द मेंस्ट्रुअल ब्लड टू कम आउट। पहले एक मिथ था कि जो वर्जिन्स होती है उनका हाइमन इंटैक्ट होता है, बट आजकल ये मिथ नहीं है, क्योंकि हाइमन इतनी पतली सी मेम्ब्रेन होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ही कई बार हैवी ब्लीडिंग की वजह से, साइकिलिंग या स्विमिंग की वजह से ये अपने आप रप्चर कर जाती है। बट जो मल्टीपैराज हैं, या फिर जो जिस लेडी की एक बार डिलीवरी हो चुकी है, या फिर बहुत लॉन्ग टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है, उनका हाइमन इस तरह से दिखता है। और इसमें छोटे टैग्स होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कैरनकुलम माइटिफॉर्मिस, ओके। सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। दैट इज अ टिपिकल पिक्चर ऑफ अ क्लाइटोरिस। इट इज लुकिंग लाइक अ बटरफ्लाई, इस तरह की इसका पिक्चर होता है, बिकॉज इट इज अ ग्लैंड्स देन इट हैज अ बॉडी, और फिर इसके क्रूरा होते हैं। ये क्रूरा दोनों साइड में वेस्टिब्यूल के पास होते हैं, एंड दिस इज ऑल अ वेस्टिबुलर सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम है जो कि ऑर्गेजम में हेल्प करता है। दीज हैव न्यूमरस नर्व एंडिंग्स, और इसका पूरा स्ट्रक्चर आज हम शाम को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। So it has a body, it has a glands, just like glands penis, and it has a क्रूरा। ओके, तो ये क्रूरा जो है कॉर्पस कैवर्नोसम के अंदर होता है, कवर्ड होता है, और ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इन मेल्स के होमोलॉगस होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आज हम पढ़ेंगे। इट्स ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड विद द वेस्टिबुलर बल्ब एंड आर लायबल टू इंजरी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इट कैन कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड पेन। क्लाइटोरल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो सकती है, एंड इसको प्रिवेंट करने के लिए पहली बात तो आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि एनाटॉमी क्या है। ठीक है, Now let me just check कि लाइव सेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। राइट, ओके, डू वी हैव एनी लाइव चैट्स? वी डोंट हैव एनी लाइव चैट्स राइट नाउ। ओके, तो ये क्या आप देख रहे हैं, दिस इज विजाइना। विजाइना आपको दिख रहा है कि विजाइना की जो शेप होती है एंड जो एंगल होता है, देयर इज ऑलवेज एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, जो कि 45 डिग्रीज का एंगल होता है। और ये एंगल इसलिए जरूरी है वरना सारा जो अंदर का स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे। सो यू कैन सी दिस एंगल दैट द विजाइना मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दिस इज 45 डिग्रीज। पीछे रेक्टम एंड सिग्मॉइड कोलन है, आगे फ्रंट में यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा है। विजाइना की पोस्टीरियर वॉल इज लॉन्गर देन द एंटीरियर वॉल। इसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स ऐसे आपस में जुड़ी हुई होती है, अपोज्ड होती है, और जो ट्रांसवर्स लैटरल वॉल्स हैं वो खुली हुई होती है। इसीलिए जब ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं इट लुक्स लाइक एन एच, क्योंकि एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स ऐसे आपस में अपोज्ड होती है। ठीक है, देन यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से इसका क्या रिलेशन है, पीछे पाउच ऑफ डगलस से क्या रिलेशन है, ये सब आप आज पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब क्लिनिकली बहुत सिग्निफिकेंट है। कोई भी एब्सेस, कोई भी इन्फेक्शन, किसी भी तरह की इंजरी कैसे फिस्टुलास बनाती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ ब्लड सप्लाई, आज हम ब्लड सप्लाई भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो मेनली इंटरनल आइलियक आर्टरी से आती है। आपको पता है एक बस ओवेरियन आर्टरी है जो डायरेक्टली एओटा से आती है, जस्ट बिलो द रीनल आर्टरीज। इसीलिए ओवरी में कुछ इन्फेक्शन होता है तो इट कैन प्रोबेबली समटाइम्स गो टू द पेरीनेफ्रिक रीजन, क्योंकि ये आपस में वेन्स काफ़ी पास पास होती हैं, आर्टरीज काफ़ी पास पास होती हैं। ठीक है, तो ओवेरियन आर्टरी का ओरिजिन डायरेक्टली फ्रॉम द एओटा होता है, और जब ओवेरियन जब एओटा डिवाइड होता है कॉमन आइलियक राइट एंड लेफ्ट में, तो कॉमन आइलियक एट द पेल्विक ब्रिम इंटरनल एंड एक्सटर्नल आइलियक में डिवाइड होती है। इंटरनल आइलियक की ब्रांच है यूट्राइन आर्टरी, जो कि उसके एंटीरियर डिवीजन से निकलती है, और इंटरनल आइलियक जहाँ फिनिश होती है एंटीरियर डिवीजन, उसका नाम होता है इंटरनल पुडेंटल आर्टरी। ठीक है, ये सब आज पढ़ेंगे। देन इस डायग्राम में आप देख सकते हैं रेडियल आर्टरी, स्पायरल आर्टरीज, ये सब यूट्रस का ब्लड सप्लाई है, जो कि अंदर तक प्रॉपरली यूट्रस की एक एक एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम को प्रॉपरली सप्लाई करता है। ठीक है, नाउ कोर्स ऑफ द ओवेरियन आर्टरी। नाउ कोर्स ऑफ द ओवेरियन आर्टरी, राइट, वॉट यू कैन सी हियर, द ओवेरियन आर्टरी इज कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द एओटा, और ये नीचे आते आते यूरेटर को भी क्रॉस करती है, एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी को भी क्रॉस करती है। राइट, ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। इन द सेकेंड डायग्राम यू कैन सी द ओवेरियन आर्टरी कमिंग डाउन, क्रॉसिंग द एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी एंड ऑल्सो क्रॉसिंग द यूरेटर। तो इसकी अपनी सिग्निफिकेंस होती है कि जब ये एनलार्ज हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम्स कर सकती है। जब यूट्रस डेक्स्ट्रोवर्टेड होता है प्रेगनेंसी में तो कौन सी वेन ज़्यादा डायलेट होती है, कहाँ कंप्रेशन ज़्यादा आता है, राइट यूरेटर पे कि लेफ्ट यूरेटर पे, ये सब हम आज क्लिनिकल सिग्निफिकेंट चीज़ें पढ़ेंगे, और कल हम इसके मिक्स पैक क्वेश्चंस लेंगे। ओके, नाउ इंटरनल पुडेंटल आर्टरी, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, दिस इज द कॉमन आइलियक आर्टरी, दिस इज द कॉमन आइलियक, देन इट इज डिवाइडिंग इनटू द एक्सटर्नल आइलियक एंड द इंटरनल आइलियक। ये हो गई इंटरनल आइलियक। इंटरनल आइलियक का जो एंटीरियर डिवीजन है उससे सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी निकली, उसी से यूट्राइन आर्टरी भी निकलेगी जो इस डायग्राम में नहीं बनी हुई है, फिर उससे ऑब्चुरेटो आर्टरी निकली, उससे इन्फीरियर वेसाइकल आर्टरी निकली। सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेसाइकल आर कमिंग फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन डायरेक्टली, राइट। इन्फीरियर वेसाइकल आपकी पोस्टीरियर डिवीजन से आ रही है एक्चुअली, बिकॉज यू कैन सी जो एंटीरियर डिवीजन है उससे आ रही सुपीरियर वेसाइकल, और जो पोस्टीरियर डिवीजन है उससे आ रही इन्फीरियर वेसाइकल। ठीक है, और ये जाके ग्लूटियल मसल्स को भी सप्लाई करती है। इंटरनल पोडेंटल पूरा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसको सप्लाई करता है। ठीक है, now this is a beautiful diagram how the spiral arteries and the basal arteries are coming together and forming these network in the uterus, because this uterus has to grow, aur ye aage jaake pregnancy mein puri uterus ko kaise supply karti hai। Similarly ye jo anastomosis aap cornu pe dekh rahe hain, कॉर्नो का जो एनास्टोमोसिस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कॉर्नो पे जो ओवेरियन आर्टरी है ये पूरा पूरा एनास्टोमोसिस है यहाँ पर, ये पूरा पूरा एनास्टोमोसिस है। दैट इज बेसिकली द ओवेरियन आर्टरी एंड द यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी नीचे से आ रही है, यहाँ से आ रही है, दिस इज हाउ इट इज कमिंग एंड द ओवेरियन आर्टरी इज कमिंग फ्रॉम हियर। तो ये जो ओवेरियन आर्टरी है ये आप यूट्राइन आर्टरी के साथ मिलकर यहाँ पर एनास्टोमोसिस करेगी, और कॉर्नू वाला जो एरिया होता है सबसे ज्यादा वैस्कुलर होता है। ठीक है, इसकी भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि जब आप लाइगेशन करते हैं तो किधर कट लगाना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, नाउ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जो हिमोरॉइडल आर्टरीज हैं उसमें जो सुपीरियर हिमोरॉइडल हैं वो आती है पोर्टल सिस्टम से, इसीलिए पोर्टल सिस्टम जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ कनेक्टेड होता है। तो जब भी लिवर में मेटास्टेसिस होती है तो अपने को लगता है भाई यूट्रस का कैंसर लिवर में कैसे चला गया। सो दिस इज बिकॉज कम्युनिकेशन ऑफ दिस आर्टरीज। ओके, सो पोर्टल सिस्टम का एनास्टोमोसिस होती है, वर्टिब्रल सिस्टम के साथ कुछ एनास्टोमोसिस होती है, इसीलिए कई बार कुछ कैंसर जो है सीधे वर्टिब्रा तक भी चले जाते हैं। सो ऑल these systems are kind of interconnected and you should know कि ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से metastasis हो जाती है। ठीक है, now coming to the lymphatic system, very very important, external iliac lymph nodes, internal iliac lymph nodes, common iliac lymph nodes, ऊपर जाएंगे तो aortic lymph nodes, नीचे आएंगे तो superficial inguinal and deep inguinal lymph nodes। अब ये inguinal वाले generally femoral canal में रहते हैं, inguinal ligament के आसपास रहते हैं, superficial वाले inguinal canal के पास रहते हैं, inguinal ligament के पास, deep वाले deep in the femoral canal होते हैं। ये सब हम आज पढ़ेंगे कौन किसका पार्ट होता है और किधर का कैंसर किधर जाता है। ठीक है, फाइन। सो ये डायग्राम बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको दिख रहा है। एक मिनट, लेट मी टेक द पेन हियर। ओके, आई लाइक द रेड कलर बिकॉज रेड कलर में आपको इजीली दिखता है। दीज आर द पैरायोटिक लिम्फ नोड्स कमिंग डाउन, दीज आर द कॉमन आइलियक लिम्फ नोड्स। ठीक है, क्योंकि एओटा डिवाइड हो गया कॉमन आइलियक में, कॉमन आइलियक डिवाइड हो गई एक्सटर्नल एंड इंटरनल में। दीज आर इंटरनल आइलियक एंड दीज आर द एक्सटर्नल आइलियक। जो लिम्फ नोड्स जिस ब्लड वेसल के पास पास रहेंगे उसको वही नाम मिल जाएगा। ठीक है, then coming down obturator lymph nodes are the part of internal iliac lymph nodes only, right? Then coming to the superficial inguinal, these are the superficial inguinal, जो कि inguinal ligament आपको दिख रहा है, पूरा पूरा inguinal ligament है, ये पूरा पूरा जा रहा है from the anterior iliac spine to the pubic symphysis। यहाँ से inguinal ligament दोनों साइड रहेगा, तो ये इसके आसपास जो रहेंगे these are the superficial inguinal। फिर ये आ गए सुपरफिशियल फिमोरल, और जो फिमोरल कनाल के अंदर आ गए वो है डीप फिमोरल। ओके, सो दिस इज हाउ द लिम्फेटिक सिस्टम गोज एंड हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रुप में सुपरफिशियल टू द इंग्वाइनल लिगामेंट, दे बिकम इन्फ्लेम्ड इन बार्थोलिन एब्सेस या फिर कोई भी किसी भी तरह का एक्सटर्नल जेनिटेलिया का इन्फेक्शन, गेट दीज सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप है इन्फ्लेम हो जाते हैं। वर्टिकल ग्रुप जो होता है वो डीप फिमोरल ग्लैंड्स होते हैं। अपर मोस्ट ग्लैंड लाइज बीनीथ द इंग्वाइनल लिगामेंट, जिसको कि ग्लैंड ऑफ क्लॉकेट बोलते हैं, और वो ग्लैंड ऑफ रोजनमुलर भी होता है। क्लाइटोरिस की डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से होती है। ठीक है, डीप इंग्वाइनल जो लिम्फ नोड्स हैं दीज आर फाउंड इन द इंग्वाइनल कनाल along the course of the round ligament and in the tissues of the mons veneris। mons veneris यानी कि जो mons pubis, जो hound है, जो mound है basically full of fat, जिसका जो कि vulva का एक part है, उसके tissues के अंदर deep inguinal lymph nodes होते हैं। ठीक है, coming to the hypogastric group, that is the internal iliac lymph nodes, it contains all regional glands, cervix, bladder, upper third of the vagina, greater body of the uterus। So internal iliac के पास maximum collection होता है from all the internal and the external genitalia, mainly the internal genitalia। ठीक है, this group can be extensively involved in carcinomas। Glands are most numerous below the bifurcation of the common iliac artery। common iliac artery internal and external में divide हुई, उसके bifurcation के नीचे सबसे ज़्यादा lymph nodes होते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ दीज लिम्फ नोड जो कि ऑब्चुरेटिव फोसा में होते हैं, जो कि सेंटिनल लिम्फ नोड होता है सर्वाइकल कैंसर में, दैट इज ऑब्चुरेटिव नोड, सबसे पहले वो इन्वॉल्व होता है एंड दैट इज अ टाइप ऑफ इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड। ठीक है, then coming to the pudendal nerve, internal pudendal artery mainly बाहर की जो external genitalia उसको supply करती है। similarly pudendal nerve is supplies the entire pelvic organs, the internal and the external genitalia। अब इसके दो parts होते हैं, sympathetic and parasympathetic। आपको पता है parasympathetic is nervi agentis, जो कि S2, S3, S4 से निकलती है, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से pudendal nerve इस rectal foramen में जाके divide होती है। ये सब हम आज शाम को पढ़ने वाले हैं। let us not go into the details of this, but this a beautiful diagram which shows you कैसे pelvic bone के अंदर से pudendal nerve निकल के पीछे जाके gluteal area को भी supply करती है। ठीक है, so let me ask you a few questions children। लेट मी सी हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड सो फार, बिकॉज अभी तो मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, बट मैं आप पढ़ाऊंगी शाम को, बट लेट अस सी आपको क्या पता है इसके बारे में। वल्वा क्या है? वल्वा इज अ विजाइनल ओपनिंग area enclosed by labia minora, clitoris and forehead, या फिर it is female external genital organs, या फिर it is male genital organs। क्या है ये बताइए, let me know, देखूँ आपको कितना आता है। let me check if somebody is answering। Okay, where is the live chat? Okay students, let us talk to each other। कुछ तो आंसर बताओ, it is A, B, C और D। लेट मी नो आप क्या बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरे को पता चलेगा आपकी कितनी नॉलेज है। नो आंसर्स, कम ऑन, आंसर तो दो। ओके, आई विल टेल यू द आंसर। द आंसर इज सी, दैट इज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। सो बेसिकली वल्वा इज द एंटायर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, जो आपको दिख रहा था फोटोग्राफ में, फर्स्ट फोटोग्राफ में, दैट वाज एंटायर थिंग वाज वल्वा। इट इज नॉट बी, इट इज बी क्या है? बी इज द एरिया एनक्लोज बाय लेबिया, क्लाइटोरिस एंड फोरशेड, दैट इज अ वेस्टिब्यूल। ओके, एंड वी विल रीड दिस इन द इवनिंग। हार्मोनल स्टडी के लिए सैंपल्स शुड बी टेकन फ्रॉम विच वॉल ऑफ द विजाइना? नाउ आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस, यू आर गोइंग टू आंसर दिस। थैंक यू अर्जुन, thank you very much, that's very sweet of you to answer। so that is, you are answering the first question or the second question? First or the second? किस question का आपने answer दिया अर्जुन? C for this question or C for the hormonal study question? Okay, I'm skipping this because I'll tell you the answer in the evening। the pH of vagina in the adult। okay, इसको तो attempt करो। Arjun Kumar, Dr. Seema Tandon। Okay, so you have to write the question number also, right? Dr. Seema Tandon आपने A बोला है, प्रियांशी ने मैसेज हटा दिया है, शुभम चौधरी आपने B बोला है। बेटा आप अगर क्वेश्चन लिख दोगे तो इजी रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मोबाइल में थोड़ा सा ये लेट आता है चैट। तो वल्वा इज द ओपनिंग ऑफ, दैट इज अ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। शुभम चौधरी आपने B लिखा है, विजाना का पोस्टीरियर वॉल। देन आपने पीएच ऑफ द विजाना का क्या लिखा है? पीएच ऑफ द विजाना, पीएच ऑफ द विजाना कितना होना चाहिए आपको पता है? एसिडिक, सो ऑब्वियसली इट विल बी 4.5 to 5.5, एंड दैट इज इट। अब हम इससे ज़्यादा और नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आपको शाम को मेरी क्लास में आना है। इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग क्लास ऑफ 1 आवर, 1 घंटे में उसको फिनिश करेंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी वापस कुछ खा पी के आना, और 1 घंटे बाद वापस स्टार्ट करेंगे। आज हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की पूरी एनाटमी, उसकी ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ लेंगे। अगर टाइम ने परमिट किया तो हम अदर पेल्विक ऑर्गन्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और इवन रेक्टम और सिग्मॉइड कोलन और एनस जो है उसके जो डेवलपमेंट होते हैं, उसकी जो ब्लड सप्लाई, उसकी एनाटमी एंड रिलेशन विद विजाना एंड यूट्रस, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, तो लेट्स मीट इन द इवनिंग एट 5:30। दैट विल बी माई फर्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, टेक केयर and all the best।